नमस्कार। आज हम सबका यह परम सौभाग्य है कि किरोड़ी मल्ल महाविद्यालय के प्रांगण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती जो कि नृत्य और अभिनय के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है और हमारे साथ हैं गुरु सोनल कुमार सिंह जी। आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ प्रश्न हैं जो हमारे मन में है मैम कि भारत जो है वो युवाओं का देश है, तो आज के युवाओं से आपकी क्या अपेक्षा है? मेरा लिस्ट सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ दो तीन ही बिंदुओं पे मैं अपनी सोच, यानी आपने जो कहा अपेक्षा, बहुत बड़ा शब्द है बापरे। यदि मुझे कोई मुझे पूछता कि हम कहता कि सोनल हमको तुमसे ये अपेक्षाएं हैं, तो मैं कहती बाय बाय। लेकिन युवा से यही अपेक्षा है कि अपने व्यक्तित्व को, ईश्वरीय गुणों को उजागर करते हुए चरित्र का गठन करें, क्योंकि चरित्र शब्द बहुत मुझे लगता अहम है और चरित्र से ही आगे चीजें बनती हैं। तो न केवल अपना परिवार, न केवल अपना अड़ोस पड़ोस, लेकिन पूरा समाज और देश इसके उत्थान का पहला सोचे। विश्व कल्याण तो होता ही रहता है, उसको सोचने वाले और बहुत लोग हैं, लेकिन मेरे जहन में हमेशा ये रहता है कि यदि एक व्यक्ति सही रास्ते पे है तो उस रास्ते पे चलने वाले और सही चले जाते हैं। और युवा वर्ग से मेरी यही अपेक्षा तो है, लेकिन मैं कहूँ कि मेरी गुडविल है, मेरी बेस्ट विशेज हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो यंत्रीकरण हुआ है, जो चैट जीपीटी वगैरह वगैरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चीज़ें हो रही हैं, उन सबको लेकर एक बैलेंस्ड वे में काम करें कि सृष्टि के भी कई जो मिस्टरीज हैं वो भी खुलें और अपने अंदर भी जो कितनी मिस्टरीज पड़ी हैं उनको भी उजागर करें, और ये सारा कुछ समाज कल्याण, देश कल्याण, विश्व कल्याण के लिए इस पे कार्यरत रहे। जी, बहुत खूब आपने कहा। एक यह भी बात उठती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति एक जुड़ाव की बात आती है सामने, तो उस लक्ष्य को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से कलाएं उसमें एक योगदान दे सकती हैं? पहली बात तो ये है देखने वाली कि यदि सूत्र टूटा ना होता तो जुड़ाव की बात दोबारा नहीं आती, तो ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता पड़ गई और यथा समय में, तो कहूँ देर आए दुरुस्त आए कि ये बात अभी उठी और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बातों पे बहुत अहम उसको अहमियत दी गई है, भार रखा गया है। और आपने जैसे कहा कि कला एक ऐसा कुछ, मैं क्या कहूँगी, चीज नहीं, कला क्या है, कला संस्कृति, तो वो एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का, प्रवाह को क्रॉस करने का एक सेतु है, समय को बांधने का सेतु है, विचारों को जोड़ने का सेतु है, और एक युग के विचारों से दूसरे युग के विचारों को समझने का ये सेतु है। तो यदि भारत की आत्मा संस्कृति ना होती तो आज भारत भारत नहीं, मात्र इंडिया बन के रह जाता है। इसीलिए इसकी अहमियत को जितना हम ज्यादा तवज्जो दें इस पे भारत में, उतना कम। एक और हम बहुत ही जिसे कहेंगे एक समस्या का हम सामना कर रहे हैं कि प्रतिभा पलायन जो है वो निरंतर हो रहा है, तो क्या ऐसा हो कि उनमें हमारी जो कलाएं हैं वो आत्मनिर्भर भारत में भूमिका निभाएं और बाहर जाने की अपेक्षा जो हमारी युवा प्रतिभा है उसे अपने देश में ही एक रास्ता दिखे और इस तरह से एक
भविष्य नजर आएगी। देखिए जितने पत्ते गिरते हैं या उड़ जाते हैं उतने ही उससे डबल नए पत्ते भी खिलते हैं। तो प्रतिभाएं पलायन नहीं कर रही हैं, प्रतिभाएं अपने अपने रास्ता ढूंढ के, जैसे बराबर समान हो जाता है पानी, जहाँ पे ढालो तो बराबर बराबर हो जाता है। लेकिन ये है कि कला, देखिए मैं खुद हूँ, आई एम नॉट डूइंग अ जॉब, आई हैव नेवर डन अ जॉब, मैंने कहीं नौकरी नहीं की है। लेकिन मीरा का जो पद है, मने चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गासू। तो वो जो चाकरी है, वो चाकरी मैं कर रही हूँ कला की, संस्कृति की, और उसके द्वारा देश की। तो देश सेवा करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, और ये आत्मनिर्भरता की जो बात है, मुझे लगता है कि कलाकार कला पे निर्भर है, और वो कला आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है, इसलिए कलाकार हमेशा आत्मनिर्भर ही होता है। तो ये आत्मनिर्भरता का बहुत सुंदर एक उदाहरण है, जो आप जैसे कह रही हैं कि बाकी विषयों में और बाकी क्षेत्रों में जो लोग हैं, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि कोई ना कोई कला होनी चाहिए। आइंस्टाइन थे, वायलिन बजाते थे, डॉक्टर राजा रमन्ना पियानो बजाते थे, डॉक्टर विक्रम सारा भाई की पत्नी मृणालिनी सारा भाई नृत्यांगना रही, और विक्रम सारा भाई को बहुत ही संगीत का शौक था। कोई पेंटिंग करता है, कोई संगीत, कोई वायलिन, कोई मृदंगम। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वीणा बजाते थे। तो इसीलिए कला का कोई ना कोई आयाम आपके जीवन को परिपूर्ण करने में सहायता करता है। वो क्या कहते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, हाँ जी। तो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बराबर बैलेंस में चलता है। एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नारी सशक्तिकरण को आप वर्तमान में किस प्रकार देखते हैं, कि क्या समाज के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में नारी को सम्मान और महत्व दिया जाता है, और समाज के भावी विकास में आप स्त्रियों की भूमिका को, उनकी जो संभावनाएं हैं वो किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि आप एक संसद भवन जैसे एक बड़े ही प्रतिष्ठित एक राजकीय, उसमें राजकीय पद पर भी हैं, तो यह नारी सशक्तिकरण का तो आप स्वयं में भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये नारी सशक्तिकरण का सबसे पहला मेरा विचार हमेशा ये रहा है, जो मैंने राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया है, कि जैसे नेशनल वेमेन्स कमीशन है वैसे नेशनल मेन्स कमीशन होना चाहिए। और ये मजाक नहीं है, ये मैं पूरी गंभीरता से कह रही हूँ। इंटरनेशनल वेमेन्स डे है, इंटरनेशनल मेन्स डे क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं हमारी जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा, कि इट्स ऑलवेज बिचारी के। अच्छा, तो ये हमने महिला के लिए, स्त्री के लिए इतना हमने दिया, हमने आपको 33% अभी तक नहीं दिया है हमारे उसमें ना इलेक्टोरल उसमें 33% सीट्स आज भी नहीं है। लेकिन हम जब पूछते हैं देने वाला कौन है भाई, हमको लेके रहेंगे, हमारा है हम लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत कुछ। तो ये है ना, एक ये भाव आता है दे रहे हैं और हम ले रहे हैं, नो इट हैज टू बी। तो ये जब हमारी महिलाओं के अंदर ये भाव जागृत होगा, और ये एक अपने अधिकार की बात है, अधिकार तो मिलके ही रहेगा। लेकिन उसके पहले अभी आप देखें हमारे हर एक क्षेत्र में महिलाएं अग्रसर हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे यूपीएससी है, चाहे सिविल सर्विसेज है, डिफेंस सर्विसेज हैं, सोलर एनर्जी है, साइंस है, आपके मंगलयान को करने वाली तो महिलाएं थी साइंटिस्ट, और चाहे कोस्ट गार्ड है, नेवी है, कोबरा कमांडो है, राइफल उड़ाने वाली यान है, यानी कौन से क्षेत्र में नहीं है। तो मुझे लगता है कि वी आर ऑन द राइट पाथ, इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन अभी और हमें ज्यादा जोर देने की आवश्यकता तो है ही है, उसको कभी ढीला नहीं
पढ़ने देना है और इसमें मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ जहाँ महिला की या बच्चियों की, देखिए बेटी बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जो भी सारा है, बेटी बचाओ, मैं तो कह बेटी बचाओ छोड़ दीजिए, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, उसके ऊपर छोटी छोटी बातें जैसे सैनिटरी पैड की बात आप देख लो कि स्त्री के कुछ जो विशेष जरूरतें हैं उस पर आज तक पब्लिक में कभी बात नहीं हुई, टॉयलेट्स की बात नहीं हुई, यात्राओं के दौरान जो कितनी बातें जो नहीं हुई पहले, जिसमें विशेष करके महिलाओं को, स्त्रियों को, बच्चियों को बहुत तकलीफ होती थी। अब ये बताइए, इस बात को हमको उजागर करना ही चाहिए कि दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ विद द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड। आज बात हो रही है और बात काम। एक अंतिम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कि आप जो है अखिल भारतीय स्तर पर आपकी प्रस्तुतियाँ लगी हैं और विश्व भर में भी लगी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो विश्व में जब आप प्रस्तुतिकरण के लिए जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह की ये चीज़ें होती हैं, कि कैसे प्रतिक्रियाएं आती हैं और किस तरह का एक जो हम वो जानना चाहते हैं आपसे? मैं शास्त्रीय नृत्यांगना हूँ और उसी को लेकर चली हूँ। उसमें इतनी शक्ति है कि वो जहाँ पर भी इसका दर्शन लोग करते हैं वहाँ पे मुग्ध हो जाते हैं। तो एक तो है जो आउटर के कॉस्ट्यूम है, कलर है, जो अभिनय है, जो अंग भंगियाँ हैं, वो इतना कुछ रिच है, लेकिन उसके ऊपर प्रस्तुति देखकर चोट लगती है, जो संवेदना उत्पन्न होती है कि मैंने यदि द्रौपदी के ऊपर मेरा सोलो थिएटर 1994 उस वक्त शिवराज पाटिल जी स्पीकर थे लोकसभा के, उन्होंने एक विशेष कार्यक्रम करवाया बॉडी मैंने सब पार्लियामेंट, दूसरे दिन चाय पे घर पे बुलाया, कहने लगी मैंने सुना जी टेलीफोन्स हैव नॉट स्टॉप्ड, 1994 की बात है, एंड लॉट ऑफ माय एमपी कॉलीग्स हैव टोल्ड मी दैट दे फेल्ट वेरी अशेम्ड, दे आर गोइंग बैक टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद दिस स्पेशल अवेयरनेस अबाउट विच थिंग्स अबाउट विद दे हैड नेवर थॉट ऑफ और विद दे हैड यू नो, ये होता रहता है, ये होता रहता है। महिलाओं के साथ क्या क्या होता है उसके बारे में एक विशेष, अच्छा मेरी मैग्डालेन का जब मैंने अर्जेंटीना में किया, विच इज अ कैथोलिक कंट्री, तो वहाँ के ब्यूनस एरेस के आर्च बिशप आके घुटने पड़ गए, मेरा हाथ चूमने लगे, रोने लगे, स्पैनिश में पूछने लगे, कहने लगे आई सॉ क्राइस्ट, तो फिर उठे, फिर कहा कि आर यू क्रिश्चियन, स्पैनिश में कह रहे हैं ट्रांसलेट हो रहा है, मैंने कहा नो आई एम हिंदू, तो फिर पूछे हाउ देन, तो मैंने कहा मेरी मीरा मेरे लिए एक है, क्राइस्ट कृष्णा एक है। So, ये होता है कि हमारे हमें इतनी संवेदना भरी हुई है, समस्त सेंशियंट बींग्स जो कहते हैं ना, प्राणी मात्र, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन रेस बट फॉर एवरीथिंग, फॉर रिवर्स, फॉर हिमालय को पूछते हैं, गिरनार को पूछते हैं, कैलाश को पूछ, मैं गई हूँ कैलाश मानसरोवर, जब पहली बार दर्शन हुआ तो घुटने पड़ के मैं रोई, जो रोई आई डोंट नो। तो हमारा जो एक संपर्क है प्रकृति के साथ, अध्यात्म के साथ, वो भारतीय डीएनए है, उसको आप नकार नहीं सकते, और उसको जितना हम उजागर करेंगे उतना कल्याण होगा। मुझे लगता है ये मानवता का ही जो एक बिंदु है, यही विश्व गुरु के रूप में हमें पहचान दिलाता है, मुझे लगता है जिसमें हम सभी मतलब आत्माओं में समझते हैं कि एक ही उस ईश्वर का प्रकाश इतना अनेक रूप में फैला हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।